हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने आपको अपनी बहुत सी वीडियोस के द्वारा ये बताया है कि बहुत सारे वेजिटेबल्स के और बहुत सारे फलों के ना केवल हमारी सेहत के लिए बल्कि हमारे चेहरे के लिए भी बहुत सारे फायदे होते हैं। लाल कलर की सब्जियां देखने में जितनी सुंदर होती हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की भरमार भी उससे ज्यादा होती है। चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही लाल कलर की एक सब्जी के बारे में। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाली हूँ टमाटर के बारे में। टमाटर यानी कि टमेटो। भारत के अंदर आपको चाहे सब्जी बनानी हो या फिर टमेटो केचप बनाना हो, सैलेड के रूप में इसका प्रयोग करना हो या फिर सैंडविचेस बनाकर बच्चों को खुश करना हो, किसी भी चीज के लिए हम सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर जिस सब्जी को लेकर आते हैं उसका नाम टमाटर होता है। क्योंकि बाजार के अंदर टमाटर की दो क्वालिटीज अवेलेबल है, रेड और ग्रीन। दोनों के ही अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की काफी भरमार होती है। ये ना केवल हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम या फिर बीमारियां नहीं पकड़ती हैं। बीमारियों से बचने के लिए आपको रोजाना कम से कम एक कच्चे टमाटर का सेवन जरूर करना चाहिए। ये आप अपनी सब्जी के तौर पर भी कर सकते हैं, अपने सैलेड के तौर पर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप सुबह सुबह जूस पीना पसंद करते हैं तो आप जूस के तौर पर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने से आपको बहुत से फायदे मिलते हैं, जैसे कि विटामिन B6 की पूर्ति। हमारे शरीर के अंदर विटामिन की कितनी जरूरत होती है ये आप और हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन B6 की कमी है तो आपको टमाटर का सेवन जरूर करना चाहिए। शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, बहुत ज्यादा टैनिंग हो या फिर आपका रंग बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन के कारण दबता चला जा रहा हो तो आप टमाटर के रस का प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर के रस के अंदर एसिटिक तत्व भी होते हैं जो न केवल हमारे चेहरे को ग्लोइंग बनाते हैं बल्कि चेहरे से किसी भी प्रकार के कालेपन को दूर करने के लिए काफी ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। अगर आपकी बॉडी पर या फिर चेहरे पर कहीं भी सन टैन या फिर सन बर्न है तो रोजाना टमाटर के रस के साथ साथ नींबू के रस को मिक्स करके अपने चेहरे पर मसाज करिए, और ऐसा तब तक करिए जब तक आपका कलर पहले की तरह सामान्य ना हो जाए। ये पूरे तरीके से हर्बल होता है, इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके चेहरे पर नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है क्योंकि इसके अंदर आपने नींबू और टमाटर दोनों को कंबाइन किया है, इसकी वजह से अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी स्किन पर रैशेस बढ़ सकते हैं। लेकिन उन रैशेस से बचने के लिए भी आपके पास एक उपाय है। सबसे पहले अपने चेहरे पर आप ऑलिव ऑयल से मसाज करिए और उसके बाद टमाटर और नींबू के रस से अपने चेहरे पर मसाज करिए। ऐसा करने से आपकी टैनिंग भी दूर हो जाएगी और आपकी स्किन पर किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं होगी। सो दोस्तों, देखा आपने, लाल कलर का दिखने वाला छोटा सा टमाटर ना केवल हमारी सेहत को बेहतर बनाता है बल्कि आपके चेहरे को सुंदर बनाने के लिए भी आपकी मदद करता है। इसीलिए रोजाना टमाटर का सेवन करना शुरू करिए। और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।